पतंग ले लो, पतंग पतंग ले लो, पतंग। पापा पापा देखो, पतंग की दुकान, मुझे पतंग दिलाओगे ना? अरे बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुझे पतंग दिलाने के लिए। मैं आज मालकिन से पैसे ले लूंगा, फिर दिला दूंगा, ठीक है? चलो। पापा पापा देखो, पतंग डाली है। पापा पापा ये पतंग तो टूटी हुई है, मैं कैसे उड़ाऊंगी? अरे बेटा, ये तो फटी हुई पतंग है बेटा, ये नहीं उड़ेगी, इसको फेंक दे। मैंने बोला ना, मैं आज मालकिन से पैसे लेके तुझे दिला दूंगा नई पतंग, फेंक दे उसको। नमस्ते मालकिन जी। अबे काय की नमस्ते, चल हट। अरे मेरी पतंग को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही? पहले पतंग नहीं देखी क्या? यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? जाओ जाके अंदर काम करो, और आगे से मेरी किसी चीज पे नजर मत डाल देना। चलो अंदर। जी मालकिन जी। चलो बेटा। बेटा तुम झाड़ू लगा लेना। टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी है। अरे बा गजक, मूंगफली की गजक। क्यों रे यहाँ खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही है? जाके घर के काम कर। यहाँ खड़ी खड़ी मुझे मत देखे, मेरे खाने में नजर लग जाएगी। और ये मिठाइयाँ हम जैसे अमीर लोगों के लिए होती हैं, तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। जा जाके काम कर। मम्मा को आज ये क्या हो गया? वो संध्या के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही है? पापा पापा मैं इनमें से एक पतंग रख सकती हूँ? नहीं बेटा, ये अपनी पतंग नहीं है, ये मालकिन जी की पतंग है, उनकी बेटी की। वो गुस्सा होंगी बहुत जोर से, इनको नहीं लेना। मैं तुमको दूसरी दिला दूंगा, ठीक है? पापा पापा एक पतंग रखने दो ना, एक पतंग में मालकिन का क्या चला जाएगा? नहीं इधर मेरी पतंग। किसने बोला था तू उसे पतंग से हाथ लगाने के लिए? और बोला तू अपनी बेटी को समझाता क्यों नहीं कि दूसरों की चीज से हाथ नहीं लगाया करते? एक बार में समझ नहीं आता दोनों को। आज तेरी बेटी ने मेरी सस्ती पतंग को हाथ लगाया, कल किसी महंगी चीज को हाथ लगाएगी तो तुम गरीबों का काम क्या? बस यही काम है, रोना धोना लेके बस हमारे पास आ जाते हो। और सुन, कल से अपनी बेटी को काम पे ले मत आना, ठीक है ना? ये बात मेरी याद रखना। और ये मिठाइयाँ हम जैसे अमीर लोगों के लिए होती हैं, तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। जा जाके काम कर। और बोला तू अपनी बेटी को समझाता क्यों नहीं कि दूसरों की चीजों से हाथ नहीं लगाया करते? मम्मा संध्या के साथ अच्छा नहीं कर रही, मुझे उन्हें समझाना ही होगा। क्या हुआ बेटा? मम्मा आप संध्या के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? क्या मम्मी उनमें खून नहीं होता? जब हम में खून होता है तो उनमें भी होता है। बेटा तू चुप कर, बहुत जुबान चला रही है तू। मम्मा आप चुप करो, मैं बोलूंगी आप सुनना। ये गरीब भिखारी तो ऐसे ही होते हैं, उनके बारे में मत बात किया करो तुम। मम्मा आपका बहुत हो गया। बेटा ये गरीब भिखारी तो ऐसे ही
होते हैं उनके बारे में मत बात किया करो तुम। मामा आपका बहुत हो गया। मामा जब से संध्या और भोला भैया आए जब से आप उन पे चिल्लाए जा रहे हो। आपको इतना नहीं करना चाहिए उन पे गुस्सा। वो क्या इंसान नहीं है क्या? माँ क्या हम ही माँ हम ही इंसान है क्या? उन वो इंसान नहीं है क्या? क्या मम्मी उनमें खून नहीं होता? जब हम में खून होता है तो उनमें भी होता है। बेटा तू चुप कर, बहुत जुबान चला रही है तू। मम्मा आप चुप करो, मैं बोलूंगी आप सुनना। क्या भगवान ने इंसानों को टैग लगा भेजा है कि कौन अमीर है कि कौन गरीब है? क्या भोला भैया और संध्या की बेइज्जती करने में तुले रहते हो? क्या वो क्या इंसान नहीं है? उन वो क्या इज्जत के हकदार नहीं है? मम्मी आप पैसों को साइड में रख के सोच के देखो कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? हे भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने भोला और संध्या के साथ इतना गलत किया, मुझे अपने पैसे का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। अच्छा मालकिन जी हम चलते हैं। अरे एक मिनट रुको भोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम्हारी बच्ची के साथ भी मैंने बहुत गलत किया है। दिल से सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। गलतियाँ सभी से होती हैं, किसी से छोटी गलती होती है तो किसी से बड़ी गलती होती है। कोई बात नहीं मालकिन जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से मकर संक्रांति का बोनस और ये पतंग मालकिन जी, ये पतंग तुम्हारी बच्ची के लिए, ठीक है? थैंक यू मालकिन। अच्छा तुम जाओ, तुमको देर हो रही होगी। ठीक बाय संध्या बेटा, क्षमा बाय करो बेटा, बाय। चलो बेटा बाय बाय क्षमा। क्षमा बेटा मुझे माफ कर दो, तुमने आज मुझे इतनी बड़ी सीख दी जो मुझे आज तक नहीं आई बेटा। कोई बात नहीं मम्मा। थैंक यू क्षमा एंड हैप्पी मकर संक्रांति बेटा। हैप्पी मकर संक्रांति मम्मा। आई लव यू बेटा। चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तब तक के लिए बाय।